नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट कैसे कैंसिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि अगर आप फ़ोन पे से अपना टिकट को बुक किए थे और उस टिकट को अपना फ़ोन पे अकाउंट से कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपना फ़ोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने बाद आपका टिकट जो कैंसिल होगा, कैंसिलेशन जो चार्ज है, आपको कितना रुपये रिफंड आएगा, जो आपका टिकट का अमाउंट कितना रिफंड आएगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली यहां पे अपना फोन पे से अपना टिकट को कैंसिल करने के लिए सिंपली अपना फोन पे एप्लीकेशन यहां पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहां पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा ट्रेवल बुकिंग्स। यहां पे अपना ट्रेन का टिकट को कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना, सिंपली आप यहां पे इस ट्रेन में आपको क्या करना है, यहां पे इस ट्रेन में क्लिक करेंगे। जैसे ट्रेन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप यहां पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिल जाएगा आपने जो भी टिकट को बुक किए थे अपना फोन पे अकाउंट से, यहां पे आपको देखने मिल जाएगा रिसेंट अपडेट्स। यहां पे देखने मिलेगा रिसेंट अपडेट्स, तो यहां पे आपको जो भी टिकट बुक किए तो यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। देखेंगे, देख सकते हैं यहां पे अपकमिंग ट्रिप कटिहार से हल्द्वानी, कटिहार से कोलकाता का ट्रेन मैंने बुक किया था कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा अपकमिंग ट्रिप है कटिहार से कोलकाता, इस ट्रेन को मैं कैंसिल, यानी इस ट्रेन टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पे देखने मिलेगा टिकट का यहाँ पे राइट साइड, यानी आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर आपको एक एरो देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस एरो में क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी टिकट होगा, आपका टिकट इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपके सामने इस तरह से देखने मिलेगा, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ देखने मिल जाएगा आपको, जो भी टिकट होगा, टिकट का यहाँ पे QR कोड वगैरह, आपका कन्फर्म टिकट है, कितना सीट है, सारा कुछ देखने मिलेगा। इस टिकट को कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ग्रीन कलर का कैंसिल टिकट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस कैंसिल टिकट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पे आपको देखने मिलेगा आपका नेम आ जाएगा, जिस नेम से टिकट को बुक किए हैं यहां पे आपका नेम देखने मिल जाएगा और यहां पे आपका सीट वगैरह देखने मिल जाएगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पे आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने मिलेगा आपका नेम का बगल। बस क्या करेंगे, अपना इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा सेलेक्ट मोड ऑफ रिफंड, यानी आप किस मोड में रिफंड लेना चाहते हैं। तो सिंपली यहां पे आपको दो मोड देखने मिलेगा, दो ऑप्शन, एक तो देखने मिलेगा कंफर्म टिकट वैलेट, अगर आप अपना वैलेट में लेना चाहते हो सिंपली आप इस कंफर्म टिकट वैलेट में ले सकते हैं। तो यहां पे आपको वैलेट में नहीं क्लिक करना गाइस, यहां पे आपको करना है क्या कि आपको नीचे दिखने लगेगा रिफंड टू पेमेंट सोर्स, तो ये आपको यहां पे नीचे में इसमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना गाइस। इसमें क्लिक करने से ये होता है कि आपने जो भी अकाउंट से, यानी जो भी बैंक अकाउंट से अपना पेमेंट किए थे, उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपका रिफंड बैलेंस डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना, सिंपली आपको नीचे वाला ऑप्शन से क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन से क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपका लगभग जो पेमेंट है 7 डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट में, जिस भी अकाउंट से अपना पेमेंट किए थे, टिकट बनाए थे, उस अकाउंट में आपका डायरेक्ट आपका जो भी बैलेंस वगैरह होगा, जो भी मनी होगा रिफंड का, वो सारा मनी आपका आपका अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 7 डेज तक वेट करना, 7 डेज का 3 डेज के अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली अपना टिकट को कैंसिल करने के लिए आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा कैंसिल टिकट। बस क्या करना, सिंपली आपको इस कैंसिल टिकट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे लोडिंग ले रहा है, प्लीज वेट। उसके बाद यहां पर देखेंगे टिकट कैंसिलेशन सक्सेसफुल, यानी मेरा टिकट यहां पर कैंसिल हो चुका है। यहां पर देखेंगे इट विल बी क्रेडिट योर ओरिजिनल पेमेंट सोर्स इन 7 से 10 डेज वर्किंग डेज। यहाँ पे 7 से 10 डेज दिखा रहा, लेकिन आपका लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो बैलेंस है आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो कि मेरा टिकट है सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है, मेरे अकाउंट में भी यहाँ गाइस देख सकते हैं, मेरा अभी भी अकाउंट में मेरा क्रेडिट हो चुका है। मेरे जो मेरे यहाँ पे कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे लगभग 7 से 10 दिन ऐसे दिखाता है। तो आपको तुरंत कभी कभी क्या होता है, तुरंत ही मिल जाता है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज भी आ चुका है मेरा जो है अकाउंट में, अभी तुरंत ही मेरा कैंसिल किया हूँ, तुरंत कैंसिल करना, तुरंत मुझे अकाउंट में मेरा जो कैंसिलेशन रिफंड था बैलेंस, वो रिफंड मेरे अकाउंट पर आ चुका है। तो यहाँ पे कैंसिल करने बाद क्या करना, सिंपल आपको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने बाद गाइस यहां पे मेरा टिकट यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल लिखा रहा है, यहाँ पे मेरा टिकट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से अपना टिकट को कैंसिल कर सकते हैं अपने फोन पे अकाउंट से। तो गाइस मैं यहाँ पे जो कैंसिल किया हूँ, तो कैंसिल करने के तुरंत ही मुझे एक मैसेज मिला, मैसेज में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली मैं अपना मैसेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मुझे अभी भी एक रिफंड किया, रिफंड जो कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखें गाइस, मुझे अभी भी 265 का यहाँ पे बैलेंस आ चुका है। यहाँ पे देखें गाइस, योर अकाउंट नंबर इतना क्रेडिट इन 265 इतना देखें गाइस, यहाँ पे मेरा अवेलेबल बैलेंस और यहाँ पे मेरा सारा कुछ यहाँ पे
आप देख सकते हैं गाइस, जो कि मैंने अभी भी कैंसिल किया और अभी तुरंत कैंसिल करने से तुरंत ही मेरा अकाउंट में बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर यानी जो मेरा है यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस इस तरह से बढ़िया आसानी से फोन पे से अपना ट्रेन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने बाद आपका अकाउंट में तुरंत रिफंड आ जाएगा, नहीं तो नहीं आया तो लगभग 7 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से बढ़िया आसानी से फोन पे से अपना ट्रेन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।